सो वेलकम टू टूडेज द हिंदू प्लस एनालिसिस। और हमारे मेंस मास्टर सेक्शन में द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वाटर स्ट्रेस। सो वाटर स्ट्रेस के बारे में ये आर्टिकल आई हैव अगेन चूजन। इसके पहले भी हमने वाटर स्ट्रेस को लेके वी हैव कवर्ड बेंगलुरु वाटर क्राइसिस। एक्चुअली टुडे इज 22nd of April। 22nd of April इज अर्थ डे। सो अर्थ डे के संदर्भ में, अर्थ डे होने के कारण व्हाट हैपेंड कि आज के द हिंदू में बहुत सारे जो आर्टिकल है मेनली आपके जो एडिटोरियल सेक्शन में वो कम्प्लीटली फिल्ड विद द एनवायरमेंटल न्यूज़। सो एनवायरमेंटल न्यूज़ के होने कारण से वी हैव टेकन द फर्स्ट आर्टिकल जो आपका लीड सेक्शन में आया हुआ है, दैट इज़ योर आर्टिकल ऑन वाटर स्ट्रेस। सो एक्चुअली इस आर्टिकल में बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई हैं। लेट्स सी द आर्टिकल फर्स्ट। दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर वाटर स्ट्रेस एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई हैं। एक्चुअली में ये आर्टिकल बहुत ही हॉलिस्टिक है इन कंपैरिजन टू हमारा पिछला आर्टिकल जिसमें हम बात किए थे बेंगलुरु वाटर क्राइसिस में। तो उसमें हमने वाटर इश्यूज़ को सिर्फ और सिर्फ अर्बनाइजेशन के संदर्भ में देखा था। अर्बनाइजेशन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, उस तरह से वाटर का डिमांड बढ़ता जा रहा है, अर्बन स्प्रॉल बढ़ते जा रहे हैं, वाटर बॉडीज कम होते जा रहे हैं। सो जिस कारण से बहुत ज़्यादा अर्बन फ्लड का भी इशू आ रहा है, अर्बन वाटर क्राइसिस का भी इशू आ रहा है। सो मेनी इशूज आर इमर्जिंग दैट वॉज इन दैट कंटेक्स्ट। बट ये वाला आर्टिकल वाटर स्ट्रेस ओवरऑल एंटायर ज्योग्राफी एनवायरमेंट और पूरे पूरे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है आर्टिकल, एक कॉम्प्रिहेंसिव हॉलिस्टिक आर्टिकल है। ठीक है, सो दैट्स वाई वी हैव टेकन अप दिस आर्टिकल। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आपके GS पेपर वन में, UPSC का GS पेपर वन में लगातार यू विल सी कि ज्योग्राफी वाले सेक्शन में रिसोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आए हैं वो वाटर रिसोर्स पे है, वाटर लैंड ये सब आते हैं, जो वाटर सबसे ज़्यादा आया है। इनफैक्ट 2019 के GS पेपर वन में एक क्वेश्चन डायरेक्टली वाटर स्ट्रेस को डिफाइन करते हुए पूछा गया था। ठीक है, सो मूविंग फर्दर लेट्स सी कि इंडिया का जो वाटर स्ट्रेस क्राइसिस है इसका स्टेटस क्या है और हमारे यहाँ उस क्राइसिस के पीछे क्या क्या वो इट्स ओवरऑल बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारे यहाँ का इशू है, दैट इशू इज़ कि इंडिया इज़ हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 18% ग्लोबली। जो हमारा वर्ल्ड में हमारा पॉपुलेशन का जो शेयर है वो 18% है। लेकिन उस 18% शेयर के हिसाब से जो हमारा वाटर जो रिसोर्सेज है ग्लोबली उसमें हमारा शेयर इज़ ओनली 4%। सो दिस क्रिएट्स बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए, बिकॉज हमारे जो जल संसाधन है उन संसाधनों पे जो हमारा पॉपुलेशन का प्रेशर, दैट प्रेशर इज़ वेरी वेरी हाई। सो ये हाई प्रेशर होने के कारण इट क्रिएट्स इम्बैलेंस का रिसोर्स और रिसोर्स के अवेलेबिलिटी और उसके जो डिमांड है, इन दोनों के बीच में एक इम्बैलेंस है। उस इम्बैलेंस के कारण मोस्टली आपके मिसमैनेजमेंट के इशू देखे जाते हैं। ठीक है, दैट विल सी रिसेंट, अभी आगे फर्दर विल सी। सेकेंड इशू इज अबाउट वाटर क्वालिटी में क्या 70% जो हमारे वाटर है इंडियन में रिवर्स में या फिर अपने ग्राउंड वाटर, दिस आर कॉन्टेमिनेटेड। सो कॉन्टेमिनेशन इज अगेन इशू दैट इज इम्पैक्टिंग द वाटर क्वालिटी। एंड थर्ड अगेन इज द वाटर क्वालिटी, और इसमें जो हमारा ग्राउंड वाटर का जो टेबल है, जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, दैट लेवल इज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग। ठीक है, सो ग्राउंड वाटर क्वालिटी में जो रैपिडली डिप्लेटिंग, जो अंडरग्राउंड जमीन का जो भूजल जो होता है उसका जो लेवल है वो लेवल नीचे भागता जा रहा है। ठीक है, और ये समस्या हर जगह के लोग फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट जो आपके हरियाणा पंजाब वाले जोन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप्स वैसे रीजन में जिस रीजन में सेमी एरिड जोन है, से तो वहाँ का एग्रोक्लाइमेटिक जोन धान को फेवर नहीं करता है, बट उसके बावजूद वहाँ पे करते हैं। तो दिस इज़ क्रिएटिंग बहुत ज़्यादा इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है, मेनली वो लोग अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। तो महाराष्ट्र पंजाब के मेजॉरिटी ब्लॉक डार्क ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, फर्दर मूविंग, इसके अलावा
जो क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग द इशू वर्स. सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिसरप्टेड रेनफॉल. सर ये डिसरप्टेड रेनफॉल होता क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं. बिकॉज ये क्लाइमेट चेंज जो आपका तापमान, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, हमारे यहाँ जो रेनफॉल होता है मॉनसून के अंदर हमारा रेनफॉल होता है, दैट हैपन जून में हमारे मॉनसून स्टार्ट होता है और अक्टूबर स्टार्ट तक चलता है. अक्टूबर में हमारे पास रिट्रीट मॉनसून शुरू हो जाता है और ये जो हमारा फेज है कुछ ऐसा होता है बारिश होने का. मतलब ओवरऑल जो पानी का जो बारिश का जो वाटर जो हमारे इंडियन सॉइल्स पे आता है रेनफॉल के थ्रू वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है. ऐसा पहले होता था ठीक है, बट वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण, क्लाइमेट चेंज होने के कारण व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो एक्सट्रीम रेनफॉल का जो सिचुएशन है ये इस सिचुएशन कुछ इस तरह से हो गया है कि बारिश आप कुछ ऐसे होगी फिर बहुत लंबे समय तक गैप होगा, फिर बहुत कम समय में बहुत तेज़ बारिश होगी, फिर गैप आएगा. सो ये जो इतना अमाउंट ऑफ वाटर पहले एक महीने में आता था वो सर एक हफ्ते में आ रहा है. सो व्हाट इज़ रियली हैपनिंग कि वो दिस इज़ सॉइल ठीक है, ये आपका सॉइल है और इस सॉइल पे पानी पहले धीरे 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 ड्रॉप आता था ठीक है. जब स्लोली स्लोली पानी का उस पर आएगा तो धीरे इसका ज़्यादा आपके वाटर टेबल रिचार्ज होंगे क्योंकि अधिकतम पानी आपके ज़मीन के नीचे जाएंगे. लेकिन चूंकि पानी की इंटेंसिटी काफ़ी हाई है, बहुत कम समय में ज़्यादा पानी आ रहा है, तो ज़्यादा पानी आने के कारण इसके जो छिद्र हैं सॉइल के अंदर में उनसे पानी ना जाके पानी आपके ऊपर से रन ऑफ वाटर बन के ये आपको फ्लो कर जाता है. तो इससे डबल घाटा होता है. सबसे पहला घाटा क्या होता है कि आपका जो रिसोर्स है वाटर रिसोर्स, आपका टेबल रिचार्ज नहीं हुआ, अंडरग्राउंड भूजल आपका रिचार्ज नहीं हुआ, पहला घाटा. दूसरा घाटा चूंकि ये पानी ये बहुत तेज़ी से बह रहा है तो ये ज़मीन का जो ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा सॉइल का जो सबसे फर्टाइल पार्ट है इसको बहा के लेके जाता है. तो मृदा इरोजन की घटना को भी यह साथ में लेके जाता है. सो सबसे पहला डिसरप्टेड रेनफॉल ठीक है, उसके अलावा इंटेंसिफाइंग ड्रॉट्स. ये जो आप पीरियड देख रहे हैं, जो पीरियड बीच में गैप जो बढ़ता जा रहा है, इसमें आपका जो ड्रॉट वाली सिचुएशन है वो अमूमन भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में बन जाती है. इसके अलावा दूसरी बात ये है, चूँकि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है तो तापमान बढ़ने के कारण जो सॉइल आपकी मृदा है, मृदा में जो नमी होती है, सॉइल में मॉइस्चर होता है, दैट मॉइस्चर इज गेटिंग इवेपोरेटेड ठीक है. तो धीरे धीरे चूंकि गर्मी बढ़ने के कारण ये आपके सॉइल में मॉइस्चर कम होते जा रहे हैं और सॉइल में मॉइस्चर कम होने के कारण दे नीड मोर वाटर. और चूंकि वाटर का जो टेंडेंसी हैज ड्रामेटिकली चेंज्ड, सो दैट्स वाई दिस आर इंटेंसिफाइंग ड्रॉट्स. क्योंकि जहाँ कहीं भी कम बारिश होने के कारण ड्रॉट की सिचुएशन पैदा हो रही है, साथ ही साथ चूंकि वैश्विक तापमान बढ़ा हुआ है तो वहाँ के मृदा में, वहाँ के सॉइल में मॉइस्चर में लगातार कमी देखी जा रही है. तो इस तरह से वहाँ के ड्रॉट्स और भी तीक्ष्ण होते जा रहे हैं, इंटेंसिफाइड होते जा रहे हैं ठीक है. फर्दर मूविंग नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट इंक्रीजिंग फ्लड्स. सो अगेन आप इस पॉइंट समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो देख रहे हो बहुत कम समय में ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बहुत कम समय ज़्यादा बारिश हो रही है तो चूँकि वो उतना पानी जमीन अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, सो ये एरियाज़ में या जो रेजिडेंशियल एरियाज़ वगैरह हैं ये वैसे एरियाज़ में जाके पानी घुस जा रहे हैं एंड इट इज़ क्रीजिंग कॉजिंग फ्लड्स. इसके अलावा भी वैसे जगह जहाँ पहले बारिश कम हुआ करती थी बट क्लाइमेट चेंज के कारण वैसे एरियाज़ में भी बारिश का ज़्यादा देखा जा रहा है और दे आर बीइंग क्रिएटेड थ्रू फ्लैश फ्लड. अब फ्लैश फ्लड क्या होता है कि बहुत कम समय में बहुत तेज़ बारिश हो जाना
चूंकि अगेन क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसे जगह जो पहले जहाँ पे कम बारिश होती थी वहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, और वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ हीटिंग, बिकॉज ऑफ वार्मिंग, एंड दे आर क्रिएटिंग फ्लैश फ्लड वाला सिचुएशन. लाइक अपने उत्तराखंड, उत्तराखंड अब यू विल सी मेनी अ फ्लैश फ्लड वाला सिचुएशन वहाँ पे मेजॉरली आता है. जो सबसे लास्ट आया था वो सर आपका 2013 में आया था, नहीं जो सबसे मेजर सबसे बड़ा जो आया था 2013 में आया था. इसके बाद रिसेंटली भी कुछ दिन पहले भी वहाँ पे फ्लैश फ्लड की सिचुएशन को देखा गया है. ठीक है, फर्दर मूविंग देर इज वन मोर, ये स्ट्रेनिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सर ये बेसिकली क्या है स्ट्रेनिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर? ये है कि हमारे जो भी रिसोर्सेस हैं, जो हमारे रिजर्वॉयर्स है जहाँ पे हम वाटर को स्टोर करते हैं, वहाँ पे भी कैपेसिटी, वहाँ पे भी हम स्टोर सही से लेवल पे कर नहीं पा रहे. तो इस कारण से हमारा जो इरिगेशन की क्षमता है, हमारे जो रिजर्वॉयर की कैपेसिटी है, वो भी क्षमता घटती जा रही. मतलब ओवरऑल हमारे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी क्लाइमेट चेंज का बहुत ही बुरा इम्पैक्ट आ रहा है. क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करके आप इसको समझ सकते हैं. ठीक है, देन फर्दर मूविंग और ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाटर स्ट्रेस. ठीक है, देखो वाटर स्ट्रेस अपने आप में एक टेक्निकल शब्द है. ठीक है, टेक्निकल शब्द का मतलब ये होता है कि उसके बिल्कुल शाब्दिक अर्थ पे ना जाए. शाब्दिक अर्थ उसका यही है कि जहाँ पे वाटर स्ट्रेस का मतलब ये हुआ जो डिमांड है, डिमांड से को सप्लाई फुलफिल नहीं कर पा रहा. ठीक है, चूँकि लेकिन टेक्निकली वाटर स्ट्रेस को तीन लेवल पर डिवाइड किया जाता है. जो सबसे पहला लेवल है सर, उसको बोलते हैं अपन स्ट्रेस. स्ट्रेस मतलब ये हुआ कि प्रति व्यक्ति प्रति साल अगर 1000 से 1700 मीटर क्यूब वाटर की अवेलेबिलिटी है, सो उस सिचुएशन में इसको स्ट्रेस वाला सिचुएशन कहा जाएगा. 1700 से ऊपर रहने पे मतलब आप ठीक ठाक वाले जोन में हैं, लेकिन 1700 से 1700 वाले बीच में स्ट्रेस वाला सिचुएशन है. और ये पानी की उपलब्धता नहीं हुई है, वैसे पानी जो रिन्यूएबल, जिन जिन पानी को नवीनीकरण किया जा सकता है, मतलब हमने वो पानी यूज किया और वो पानी फिर से आपको बारिश और नदियों के माध्यम से वो हमारे ग्राउंड वाटर टेबल पर रिचार्ज हो गया. ठीक है, तो ये वो पानी है, वैसे पानी नहीं जिनके कारण हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा वाटर टेबल नीचे भागता जा रहा है, वैसे पानी नहीं. ये वैसा पानी है जिसको, जिस जल है जिसको आप नवीकरण कर सकते हैं, रिन्यूएबल. ये रिन्यूएबल वाटर्स हैं. सो ये आपका पहला कंडीशन हुआ स्ट्रेस का. इसके बाद होता है स्ट्रेस के बाद स्कार्सिटी. ठीक है, व्हाट इज स्कार्सिटी? स्कार्सिटी इज कि जब 1000 मीटर क्यूब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अगर 1000 मीटर क्यूब से भी नीचे रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स की उपलब्धता चली गई, तो सर वो कहलाता है स्कार्सिटी. ठीक है, और स्कार्सिटी में मतलब ये स्ट्रेस से भी एक लेवल ऊपर पहुंच गया. यू शुड बी अलर्ट कि आपके आपके क्षेत्र में बदलाव की ज़रूरत है. ठीक है, ये आपको बिल्कुल अलर्ट किए जा रहा है. ये अलर्ट आपको स्ट्रेस वाले सिचुएशन पर हो जाना चाहिए. स्कार्सिटी वाले सिचुएशन पर यू नीड टू बी आपको प्रॉपर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर देनी चाहिए. इसके बाद जो हमारा सबसे डेंजरस है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट स्कार्सिटी. और एक्यूट स्कार्सिटी में क्या होता है कि एब्सोल्यूट स्कार्सिटी, एब्सोल्यूट स्कार्सिटी में सर क्या होता है कि जो आपका प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो जल की अवेलेबल है वो 500 मीटर क्यूब से भी नीचे चला आता है रिन्यूएबल वाटर. सो दिस इज अगेन क्रिएटिंग अ ह्यूज चैलेंज. ठीक है, तो जब कभी भी आपको वाटर स्ट्रेस के बारे में लिखना हो तो बेहतर है कि आप एक डायग्राम बना के दर्शाएं. ठीक है, डायग्राम बना के दर्शाएं, लिखने से बचें इसको, डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फर्दर मूविंग अगेन जो बात हमने किया था क्लाइमेट चेंज के कारण उसका जो वाटर स्ट्रेस की जो घटना है, वाटर स्ट्रेस की स्थिति बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है. इसके बहुत सारे प्रेजेंट समय में इसके ग्रोइंग इंसिडेंट्स अपने को देखने को मिल रहे हैं. लाइक कि पॉपुलेशन प्रेशर जो कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. वी हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. सो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2030 तक जो हमारा पॉपुलेशन का प्रेशर है वाटर को लेके, वो उसका वो डिमांड दुगुना हो जाएगा. यू कैन सी हियर इट हैज़ बीन राइटली रिटन कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारा जो पॉपुलेशन का वो डिमांड है, दैट डिमांड विल राइज बाई 2x. ठीक है, सो अगेन जो हमारा स्ट्रेस वाला सिचुएशन है, स्ट्रेस वाला सिचुएशन विल कंटिन्यू फर्दर. ठीक है,
ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट कि अनसस्टेनेबल यूज, इंडिया इंडिया विश्व विश्व में सबसे बड़ा भूजल ग्राउंड वाटर का उपयोग करने वाली कंट्री है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर का प्रयोग कौन करता है, दैट इज बीइंग यूज्ड बाय योर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में यूज करने के पीछे रीज़न क्या है कि हमने ट्यूबवेल इरिगेशन को बहुत प्रमोट किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से हमारे यहाँ ट्यूबवेल इरिगेशन बहुत आया, और ट्यूबवेल इरिगेशन में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे पश्चिमी उत्तरी भारत में, जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, वहाँ पे ट्यूबवेल इरिगेशन का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ा। और जैसा जैसे किसानों के पास समृद्धि बढ़ती गई, प्लस वहाँ पे हुआ क्या कि वहाँ पे किसानों को फ्री में बिजली की सुविधा प्रोवाइड कराई गई। सो वो मोटर लगा के दे विल पुट मोटर पंप, दे विल एक्सट्रैक्ट द ग्राउंड वाटर, और चूंकि वहाँ पे MSP का बहुत बढ़िया सिस्टम था, सो दे स्टार्ट सोइंग पैडी धान, और इस चक्कर में हमारा जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, दैट इज कंटिन्यूसली कमिंग डाउन। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा महाराष्ट्र और अगला रीजन है, महाराष्ट्र में भी वी विल सी मेनी वाटर गजलिंग क्रॉप्स आर देयर। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे आपको शुगर केन, शुगर केन में महाराष्ट्र में जो रीजन है विदर्भ मराठवाड़ा रीजन वगैरह, वहाँ पे दिस रीजन्स आर नॉट फेवरेबल फॉर सच काइंड ऑफ वाटर गजलिंग क्रॉप्स। ठीक है, बट अगर वहाँ पे किया जा रहा है, अगेन पानी के दम पे किया जा रहा है पानी के लिए, अनसस्टेनेबल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, सो दिस हैज़ टू बी अगेन चेंज्ड। फर्दर पॉल्यूशन जो हमारे पास जो अभी भी जो हमारे मोस्टली रिवर्स हैं दोज आर पॉल्यूटेड। क्यों पॉल्यूटेड है? पॉल्यूटेड इसलिए है कि जो हमारे अर्बनाइजेशन हुआ है, जो हमारा सीवेज शहरों से प्रोड्यूस होता है, उन सीवेज को अनट्रीटेड आप नदी में गिरा देते हैं। उसके अलावा आप कई बार इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, वो अपने एफ्लुएंट को पॉल्यूशन को अंडरग्राउंड पाइप जनरेट करके वो ज़मीन के अंदर पहुंचा देते हैं। सो ये अंडरग्राउंड वाटर को करता है। प्लस इसके आपने देखा होगा कि गंगेटिक बेल्ट में आर्सेनिक की बहुत बड़ी समस्या है, आर्सेनिक पॉल्यूशन की। अब ये आर्सेनिक की जो समस्या है, इट्स अ जियोजेनिक समस्या। बिहार में भी आर्सेनिक की समस्या है, दैट इज कॉल्ड जियोजेनिक प्रॉब्लम। अभी जियोजेनिक क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा वाटर लेवल को बहुत ज़्यादा नीचे जब चला जाता है, तो धीरे 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 नीचे के जो रॉक्स होते हैं उनमें ऐसे मिनरल्स काफ़ी हाई मात्रा में होते हैं, और धीरे धीरे नीचे वाले लेयर से वो कॉन्टेमिनेट करना शुरू कर देते हैं पानी को। ठीक है, सो धीरे धीरे हम इस कारण से हमारे जो पॉल्यूशन की समस्या है, वाटर पॉल्यूशन की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो उसकी क्वालिटी को डायरेक्टली हैम्पर करता है। इससे हमें वाटर बॉर्न डिजीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री विथ लार्जेस्ट वाटर बॉर्न डिजीज का भार लेके बैठी हुई है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट क्लाइमेट चेंज को लेके क्या इशू आ रहा है। क्लाइमेट चेंज जो मैंने पहले डिस्कस किया, क्लाइमेट चेंज के कारण वेरिएबल रेनफॉल, तो मैंने बताया कैसे रेनफॉल का वेरिएबल आ रहा है, प्लस ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, सो दीज ऑल आर कमिंग टुगेदर। ये आपका धीरे धीरे वाटर स्ट्रेस की सिचुएशन वो बढ़ती जा रही, दिस वी हैव सीन थ्रू द दिस डायग्राम। फर्दर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट कि गवर्नमेंट, व्हाट ऑल द इनिशिएटिव्स हैव बीन सो फार टेकन बाय द गवर्नमेंट ऐसा क्या कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं इस चीज़ संदर्भ में। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट नेशनल वाटर मिशन। इनफैक्ट नेशनल वाटर मिशन बहुत पुरानी स्कीम है, इसमें वाटर यूज एफिशिएंसी को लगातार बढ़ाने की बात की गई है। इसमें बहुत ही अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो हर तरह से बात करता है, कंजर्वेशन को, एफिशिएंसी को, मैनेजमेंट को, हर चीज़ों को ये ओवरऑल लेके बात करता है। ठीक है, एंड दिस वॉज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम। उसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट में, यू आर हैविंग अमृत मिशन। अमृत मिशन में यू टॉकिंग अबाउट जो भी तुम्हारे अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस हैं, अर्बन एरिया के चैलेंजेस में कैसे अर्बन वाटर लॉस को रिड्यूस करें, कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। सो ये अमृत बेसिकली अर्बनाइजेशन जो जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, इसके अंदर आपका एक वाटर वाला कंपोनेंट भी, एंड रियली दिस प्रोग्राम इज डूइंग वेल। ठीक है,
जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब मोदी जी सेकेंड टर्म में उन्होंने आते आते उन्होंने जल शक्ति अभियान स्टार्ट किया था. जल शक्ति अभियान इज़ अ वेरी गुड अप्रोच. जिस अप्रोच में अफॉरेस्टेशन मतलब जंग पेड़ पौधों जंगल को बढ़ावा देना, एक्वीफर रिचार्ज, दिस वॉज द मेन हाईलाइट ऑफ दिस स्कीम. एक्वीफर रिचार्ज पे पहली बार बहुत तगड़े से फोकस किया गया. एक्वीफर रिचार्ज वही होता है जो आपका पर्टिकुलर रीजन में जो आपका वाटर लेवल है, भूजल, इसके रिचार्ज फोकस किया गया पहली बार बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में. सो दिस वॉज अ की फीचर ऑफ दिस स्कीम. अगेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी फोकस किया गया, जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जैसा कि इस स्कीम में किया गया था. ठीक है, एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इनफिशियंट वाटर का यूटिलाइजेशन कहीं पर होता है, दैट इज योर एग्रीकल्चर. अब आप सुन रहे अपने वर्ड सुना इनफिशियंट. इनफिशियंट क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में जो हम मेथड यूज़ करते हैं, इरिगेशन का, दैट मेथड इज कॉल्ड फ्लड इरिगेशन. ठीक है सर. एंड फ्लड इरिगेशन इज व्हाट, कि इसमें अपन सीधा जिस भी क्रॉप को हमें, जिस भी क्रॉप को अपने को उगाना है, हम पूरा लैंड पे गए, हमने ज़मीन पे गए और हम उस ज़मीन पे, उस लैंड पे हमने पूरा पूरा पानी से भर दिया इसको, उसमें अपन ने धान वान लगा दिया. सो ये जो तरीका होता है हाईली इनफिशियंट होता है. इसमें जो एक्चुअली में अगर आप 100 लीटर पानी दे रहे हैं, ठीक, 100 लीटर पानी में से सिर्फ 30 लीटर पानी ही आपका यूटिलाइज हो रहा है, 70 लीटर पानी वेस्ट जा रहा है. सो इंडियन एग्रीकल्चर में इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में दे टॉक्ड अबाउट इम्प्रूविंग वाटर प्रोडक्टिविटी. मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप. सो यू कैन यूटिलाइज दिस इन द कॉन्सेप्ट कि वाटर यूज इफिशेंसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड. कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वाटर यूज इफिशेंसी, दैट इज अपने भारतीय कृषि में वो कॉन्सेप्ट मिसिंग. हम अभी वाटर यूज इफिशेंसी की तरफ मूव नहीं किए हैं, बट ये जो अपना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत में पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो कंपोनेंट है, दैट इज योर फॉर वाटर यूज इफिशेंसी, उसके अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कराया जाता है. इसके अलावा हमारे पास नेशनल माइक्रो इरिगेशन मिशन भी है, जिसके तहत में बहुत सारी चीज़ें कराई जा रही हैं. एंड इसके अलावा आपके प्रधानमंत्री से योजना में एक और दूसरा कॉम्पोनेंट, दैट इज वाटर शेड डेवलपमेंट. तो जब भी आपके वाटर का इशू एक पर्टिकुलर क्षेत्र में होता है, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है जो सबसे बेस्ट तरीका है उसको कंजर्वेशन का, दैट इज थ्रू वाटर शेड डेवलपमेंट अप्रोच. सर ये वाटर शेड होता क्या है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर बारिश होती है, पानी पड़ता है, तो पानी ऐसे ऐसे करके अपना ड्रेनेज सिस्टम बना लेगा. तो अगर मैं इसको एक यूनिट मानूं, तो देखेंगे कि यहाँ पे सारा पानी सब जगह से आके एक रास्ता से फॉलो बना लिया, मतलब ये बेसिन से यहाँ से पानी है, यहाँ से पानी है, यहाँ से पानी है, यहाँ से पानी है, फिर ये सब मिल के आगे बढ़ गए. तो ये जो सारा एरिया हुआ, इसको बोलते हैं वाटर शेड. ठीक है, इसके उधर का जो एरिया होगा उसका पानी इधर नहीं आ रहा होगा, उसका पानी उधर जा रहा होगा दूसरे वाले शेड में, उसका दूसरा अपना फ्लो होगा. दिस इज कॉल्ड वाटर शेड. और ये वाटर शेड माइक्रो लेवल होते हैं, माइक्रो लेवल, छोटे छोटे माइक्रो वाटर शेड. तो माइक्रो वाटर शेड के स्तर पे अगर आप कार्यवाही कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है आपके पानी के कंजर्वेशन के लिए. ठीक है, तो ये सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव, बट इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है. ठीक है, सो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. इसके अलावा हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, फर्स्ट है कि जो हमें क्या क्या और रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, प्रपोज्ड रिफॉर्म्स. तो प्रपोज्ड रिफॉर्म में सबसे पहले जो हमें वाटर कॉन्शियस पॉलिसीज लाने की ज़रूरत है. वाटर कॉन्शियस पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि वाटर एनर्जी फूड नेक्सस. अपने को ये समझना पड़ेगा कि वाटर कई लेवल पे अपने को ज़रूरत है. एक तो वाटर हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, दूसरा वाटर के थ्रू फूड जनरेशन में ही वाटर का बहुत रोल है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ये जो लेवल है. थर्ड, एनर्जी जनरेशन, जो अपने हाइड्रल पावर प्लांट है, माइक्रो हाइड्रल पावर प्लांट है,
तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टू एंड वाटर कॉन्शियस पॉलिसीज को लेके आए, जहाँ पे इन तीनों एक्सेस को समझते हुए उस पॉलिसी को आप डेवलप करें, तो ये रिफॉर्म एक जरूरत है। दूसरा वाटर अकाउंटिंग। वाटर अकाउंटिंग क्या है सर, कि अनसस्टेनेबल यूज जो वाटर का होता है, कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जितना उसमें वाटर को अपन रिचार्ज हो सकता है, वाटर रिन्यू हो सकता है, उससे ज़्यादा अपने यूज करते हैं। ये सर इसलिए हो पाता है, ये इसलिए लोग कर पाते हैं क्योंकि उनके पास हिसाब किताब रहता नहीं है। तो जिस तरह से गवर्नमेंट बजटिंग होती है, कि उस तरह से कॉन्सेप्ट है वाटर बजटिंग का, वाटर बजटिंग। सो वी नीड टू वर्क अपॉन वाटर बजटिंग। हमें अपने एरिया का पता होना चाहिए कि हमारे इस पर्टिकुलर रीजन, हमारे इस गांव में कुल रिन्यूएबल वाटर की क्षमता कितनी है, उसी क्षमता के हिसाब से हमें अपने यूज़ को बढ़ाना चाहिए, हमें यूज़ को लाना चाहिए। और यूज़ में अपन क्या कर सकते हैं, एक तरफ अपने यूज़ में हम इफ़िशेंसी को बढ़ा सकते हैं। कैसे, तो वो जो अपना साइकिल है, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है, इसके तहत अपनी इफिशियंसी को बढ़ाएं प्लस कंजर्वेशन फोकस करें, ठीक है। सो वाटर अकाउंटिंग या वाटर बजटिंग इज द नोवेल अप्रोच जहाँ पे गवर्नमेंट शुड फोकस, ठीक है। अरे चूंकि वाटर अकाउंटिंग वाटर बजटिंग ऑल अबाउट न्यूमेरिकली अपने एरिया के डेटा को कलेक्ट करना, उसके आधार पे पॉलिसीज बनाना, उसके हिसाब से वाटर यूज़ करना, सो इट विल बी अ डेटा ड्रिवन डिसीजंस, ठीक है। और फाइनेंशियल इनोवेशन का मतलब ग्रीन फाइनेंसिंग, जो वाटर सेट डेवलपमेंट के लिए जो बॉटम लेवल पे लोकल बॉडीज, पंचायत वगैरह फंड की जरूरत पड़ेगी, और फंड की जरूरत के लिए दे नीड पैसा, उनके पास अपना रेवेन्यू सोर्स होता नहीं है। सो यहाँ पे ग्रीन फाइनेंसिंग मतलब क्या है, दे कैन इशू ग्रीन बॉन्ड। बहुत सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दे इशू ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, इनफैक्ट वाटर के लिए स्पेशल एक नेम है, वाटर जो भी पैसा वाटर के कंजर्वेशन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, दैट उनके लिए एक नाम है ब्लू बॉन्ड। सो ब्लू बॉन्ड वगैरह के जरिए हम इसमें काम कर सकते हैं, इन ऐसे प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। एंड वे फॉरवर्ड क्या होना, सबसे पहले पॉलिसी कोहेरेंस चाहिए, ठीक है। जितने भी अपने पॉलिसीज हैं अलग अलग मिनिस्ट्री के, अलग अलग डिपार्टमेंट, सब में आपस में सिनर्जी चाहिए, ताकि सब ये समझ पाएँ कि देखो लैंड को बचाना, लैंड को रिक्लेम करना बिना वाटर को साथ में लिए पॉसिबल नहीं है, और वाटर कंजर्वेशन बिना लैंड को साथ में लेके चलना बिना उसके बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और फूड, अगेन फूड प्रोडक्शन आप सिंपल फोकस करेंगे, हमारे यहाँ रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन हो, बट रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन विल ऑल्सो डिराइव फार्मर्स टू यूज़ मोर वाटर। तो ये भी आपको दिमाग में लेके चलना है कि फूड प्रोडक्शन रिकॉर्ड हो, लेकिन एट द सेम टाइम वाटर यूज इफिशियंसी को बढ़ावा दें, वाटर यूज इफिशियंसी को भी बढ़ावा दें, तो ये भी आपको दिमाग में लेके चलना है। प्लस एनर्जी अलाइनमेंट, हमें उस वाटर कैसे मैक्सिमाइज करें कि उससे हम अपने एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह, हाइड्रल पावर प्लांट वगैरह को भी अच्छे से चला पाएं। सो वी नीड, सबसे बड़ा पॉइंट जो आगे चल के अपने चाहिए, दैट इज नीडेड पॉलिसी कोहेरेंस, ठीक है। फर्दर मूविंग इफिशियंसी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, तो इफिशियंसी की मैंने बात की, और ये अपने को इफिशियंसी ओवरऑल पूरी इकॉनमी में चाहिए, और सबसे ज़्यादा अभी जिस जहाँ पर इफिशियंसी की जरूरत है, दैट इफिशियंसी नीडेड इन योर एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज हम विश्व के सबसे बड़ी भूजल को यूज करने वाली कंट्री हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज एडेप्टेशन फाइनेंसिंग। एडेप्टेशन फाइनेंसिंग क्या होता है बाबू, कि ऐसे जब क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, उस एडवर्स सिचुएशन के साथ खुद को अलाइन करना, उसके इम्पैक्ट को कैसे कम किया जाए, तो उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में हमें अलग अलग तरह की रणनीति बनाने पड़ी। कहीं पे पॉन्ड के थ्रू हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं, कहीं पे सॉइल मॉइस्चर को बढ़ाने के लिए हम उस पर एक लेयरिंग चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कई एडवांस जगह को हम एक्वापोनिक के वर्टिकल फार्मिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए अपने को चाहिए पैसा। सो एडेप्टेशन फाइनेंसिंग पे हमें फोकस करने के लिए डेडिकेटेड फंड जो नाबार्ड के अंदर बनाया गया है, नेशनल एडेप्टेशन फंड, उसको हम टैप करें। उसके अलावा वैश्विक स्तर पर भी ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है,
अलग अलग एनजीओ लेवल पे भी है, वर्ल्ड बैंक लेवल पे भी है. सो वी नीड टू टैप दोज फंड्स टू क्रिएट एन अब एडेप्टेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम. उसके तरह हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है. आपका वाटर शेड वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, वाटर शेड इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे जब भी ड्राउट वगैरह हो, बहुत ज़्यादा तेज फ्लड आने वाला हो, बारिश होने वाली हो, उसके लिए हम अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह डेवलप करें. सो दिस इज द आर्टिकल वी टॉक्ड अबाउट, ठीक है, एंड होलिस्टिक आर्टिकल. आई डोंट थिंक इसके अलावा आपको वाटर के बारे में और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है. सो ये दो आर्टिकल हमने किया, एक हमने बैंगलुरु क्राइसिस का, सेकेंड आर्टिकल ये, एंड वी आर डन, ठीक है.